आज 25 जून पिछले 24 घंटा में लगभग सभी जगह में हल्का से मध्यम बारिश उड़ीसा में हुआ है और हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल भी हुआ। हाईएस्ट रेनफॉल मिला केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, केंद्रपाड़ा का मासवाघाट में 225.0 मिलीमीटर रेनफॉल हुआ। कटक कांतापाड़ा में 190.0 मिलीमीटर, बालासोर का भोगराई में 130.0 मिलीमीटर, जगत सिंहपुर का कुजंगा में 125.0 मिलीमीटर, खुर्दा का पालीपटना में 118 मिलीमीटर, हमारा भुवनेश्वर में भी 113.2 मिलीमीटर बारिश हुआ है। मेनली हमारा कोस्टल विशाखा डिस्ट्रिक्ट में हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हुआ है। थंडरस्टॉर्म का साथ ही मेनली हुआ है, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी ज्यादा था तो थंडरस्टॉर्म का साथ हैवी रेनफॉल हुआ मेनली कोस्टल विशाखा डिस्ट्रिक्ट में। और अभी हमारा जो कंडीशन है मेट्रोलॉजिकल, इसमें बिहार का ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन से नॉर्थ साउथ ट्रफ लाइन है अपर लेवल में बिहार से साउथ छत्तीसगढ़ तक, और हमारा सीजनल ट्रफ जो है पंजाब से नॉर्थ ईस्ट या बंगाल पर सी लेवल में पूरे अक्रॉस हमारा यूपी झारखंड वेस्ट बंगाल ये अभी है। तो इसका प्रभाव में अभी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ बारिश जारी रहेगा, तो अगला 5 दिन में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ मेनी प्लेसेस में हल्का से मध्यम बारिश उड़ीसा में होगा और एक तो जगह करके हैवी रेनफॉल भी होगा। जैसा अगला 24 आवर्स में और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी रहेगा। गंजाम, पुरी, खुर्दा, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालासोर, कटक, सुंदरगढ़, मलकानगिरि, कोरापुट, झारसीगुड़ा, संबलपुर, बड़ागढ़, ये सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर में हैवी रेनफॉल एक तो जगह करके हो सकता है। फिर कल हमारा 24 में मेनली नवापाड़ा, बलांगीर, सोनपुर, बोध, संबलपुर, अंगुल, ढेंकनाल, कटक, केन्झर, कालाहांडी, ये सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर में हैवी रेनफॉल एक तो जगह में हो सकता है। फिर 25 को थोड़ा वेरी हैवी रेनफॉल भी हो सकता है। इसमें सुंदरगढ़, हमारा मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रपाड़ा, केवनझर, ये सब डिस्ट्रिक्ट में हैवी टू वेरी हैवी, सुंदरगढ़, देवगढ़, संबलपुर, अंगुल, ढेंकनाल, जगत सिंहपुर, पुरी, खुर्दा, गंजाम हैवी रेनफॉल होने का चांसेस है 25 को। 26 में हैवी रेनफॉल केवनझर, मयूरभंज, गंजाम, खुर्दा, पुरी, कटक। इस तरह से 27 में भी कोरापुट, नवरंगपुर, कालाहांडी, बोलांगो, सुंदरगढ़, केवनझर, मयूरभंज, ये सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक तो जगह में हैवी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के जो है अगला 5 दिन तक अभी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का साथ हल्का से मध्यम बारिश मेनी प्लेसेस में रहेगा और हैवी रेनफॉल एक तो जगह करके रहेगा और 25 को वेरी हैवी भी एक तो जगह में हो सकता है। भुवनेश्वर सिटी में आज जनरली क्लाउडी स्काई रहेगा और हल्का से मध्यम बारिश भी एक दो स्टेप्स करके रहने का चांसेस है। ओके।